अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 70वें दिन दिनेश बंसल चोरमारी के नेतृत्व में किया जा रहा। साथ में विमले, सुदामा, सूरज, राजेंद्र, बिलसिया, सुरेश, रामहित, गोविंद, राम, नरेश, कैलाश, बुद्धसेन, कमलेश, राजेश, मुन्नालाल, गीता आदि बसोर समाज की टीम उपस्थित रही। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि मंडल आर्मी के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह विद्रोही के नेतृत्व में आत्मसम्मान मंडल संकल्प अधिकार यात्रा यूपी से चलकर महापड़ाव स्थल पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट में चल रहे बसोर समाज के आंदोलन का समर्थन किया। साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रभास सिंह पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां मोर्चे की ओर से अधिकार यात्रा के प्रमुखों को अशोक स्तंभ भेंट किया गया। उक्त अवसर पर मोर्चे के नेता बद्री प्रसाद कुशवाहा, संत कुमार पटेल, गुरुचरण बौद्ध सहित आंदोलनकारी प्रदीप बसोर, सूरज बसोर, राजेश बसोर, रमेश उर्फ राजभान बसोर, राजा राम उर्फ राजा बसोर, सकोचिल प्रसाद बसोर, पार्षद मनोज बंसकार, पार्षद शंकर बंसल, बंसल पार्षद अभय राज मलखान बंसल आदि उपस्थित रहे। संचालन किसान नेता इंद्रजीत सिंह संखू ने किया। महापड़ाव स्थल पर लगातार लंगर जारी है। आंदोलनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन, लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। साथियों, आज हम आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा की तरफ से और मंडल आदमी संगठन की तरफ से इस महापड़ाव पर आए हैं। हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बसोर समाज के जो लोग हैं, जो पशुपालक लोग हैं, शुगर पशुओं का जो पालन करते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी के चलते कई जानवर मर गए और कई को सरकार ने इंजेक्ट करके शूट करा दिया, मार दिया। प्रशासन ने, सरकार ने ये कहा था कि हम आपको इसका मुआवजा देंगे, हालांकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारे समाज के रोजी रोटी का सवाल है। उसके बाद प्रशासन अपने वादे से मुकर गया है। ये महापड़ाव आज 70 दिन से लगातार चल रहा है, अभी तक न प्रशासन ने इसकी कोई सुनवाई की है और न ही सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है। हमारे मंडल संकल्प यात्रा जो मध्य प्रदेश में चल रही थी, कल हम लोग सीधी में थे, हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशासन की तरफ से जो सुअर जानवर हम लोग पालते हैं, हमारे बसोर समाज के लोग, उनको स्वाइन फ्लू बीमारी के चलते मारा गया है, यज्ञ करके और कुछ बीमारी से मरे हैं। प्रशासन और सरकार ने ये वादा किया था कि हम आपको इसका मुआवजा देंगे, उसके बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई और मुआवजा नहीं दिया गया। ये हमारे समाज के लिए रोजी रोटी का सवाल है। एक एक जानवर 20 से लेकर 50-50 हज़ार तक कीमत का होता है, बहुत बड़ी आर्थिक चोट हमारे लोगों पर पड़ी हुई है। और इसी संबंध में जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये महापड़ाव 70 दिनों से चल रहा है, हम यहाँ पर आए हैं, हम इस आंदोलन को अपना समर्थन जाहिर करते हैं, समर्थन देते हैं मंडल आर्मी की तरफ से और आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा की तरफ से। हम मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, रीवा प्रशासन से ये मांग करते हैं कि तत्काल जो वाजिब मुआवजा है वो हमारे समाज को दिया जाए, हमारे जो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाए, हमारी मांगों को माना जाए। मेरी सरकार नहीं मानती है, प्रशासन मांगों को नहीं मानता है, तो अभी ये 8 फरवरी तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यात्रा जाएगी। हम जगह जगह पर जाकर के इस मुद्दे को उठाएंगे और देश प्रदेश के बाहर पूरे देश में यात्रा उत्तर भारत में जाएगी। हम हर जगह इस मुद्दे को उठाएंगे और इसको आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे।